गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम वर्कशीट 3 का सेकंड सम स्टार्ट करेंगे। कल हमने किया था डिवीजन बाय 2 डिजिट, किया था ना। आज हम डिवीजन बाय 2 डिजिट और साथ साथ उसका चेक भी करेंगे बेटा। तो कैसे करेंगे देखो, इधर जैसे फर्स्ट सम आपका है 1826 डिवाइड बाय 12, तो आप सेम वैसे ही बेटा 1826 को 12 से डिवाइड करोगे। इधर 12 की टेबल बनाओ बेटा साइड में, ठीक है। अब देखो इधर डिवाइजर आपका 2 डिजिट्स का है, तो आपको स्टार्टिंग भी 2 डिजिट से करनी पड़ेगी, यानी कि आप क्या लोगे 18, 12 को से 18 को डिवाइड करोगे। इधर देखो 12 वन जे 12, 12 टू जे 24, 24 बड़ा हो गया, तो एक स्टेप वापस चलिए 12 वन जे 12, क्लियर है बेटा। आप माइनस करो 6, आप ऊपर से लो 2, यानी कि 12 से अब 62 को डिवाइड करोगे आप। 62 से बड़ा क्या हुआ आपके पास 72, 72 से वापस आ जाओ, एक स्टेप बैक हो जाओ बेटा, 5 जा 60, 12 5 जा 60 क्या हुआ 2, ऊपर से लो 6, ठीक है। और 12 3 जा 36 बड़ा हो गया, तो एक स्टेप वापस हो जाओ 12 2 जा 24 2। अब ऊपर से उतारने को कुछ नहीं है, तो ये आपका रिमाइंडर, ये आपका क्वेश्चेंट, ये आपका डिवाइजर और ये आपका डिविडेंड। इतना तो आपको क्लियर है अच्छी तरह से, आपने अगर प्रैक्टिस की थी तो आपको आता भी है, ठीक है। तो अब क्या करोगे बेटा, आप इसे चेक करना है। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था क्यू मल्टीप्लाई डी प्लस आर इज इक्वल टू डिविडेंड, ये फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है। तो अब क्यू कितना है हमारे पास 152 मल्टीप्लाई डी, डी कितना है आपका 12, 152 को 12 से मल्टीप्लाई करो बेटा पहले, 2 टू जा 4, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3 मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 4 2 8 1, ये हमने मल्टीप्लाई किया। अब जब हमारा मल्टीप्लाई हो गया, क्यू मल्टीप्लाई डी हो गया, प्लस आर, इसमें आर को प्लस करो, आर कितना है हमारा 2, अब इसमें R को प्लस करो बेटा, हमने प्लस किया, ये आ गया 1826। देखो क्या ये आपके डिविडेंड के बराबर है 1826, यस बराबर है, तो यानी कि आपका सम बिल्कुल ठीक है। आपने इसी तरह से बेटा सारे के सारे सम्स चेक भी करने हैं। जैसे आपका एक सम और है 7615 डिवाइड बाय 27, ठीक है, स्टार्ट करेंगे वैसे ही 7615 27 से डिवाइड करो बेटा। 27 की टेबल यहां बनाओ, सबसे पहले टेबल बनाओगे ना, बनाने आती है, तीनों मेथड सिखाए हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आप देखो 27 से 76 को डिवाइड करो, 81 बड़ा हुआ, एक स्टेप वापस 27 टू जा 54, वन आया। आप देखो 2 10 जा 20, 2 11 जा, यानी कि 27 9 जा करके देखो बेटा, 27 9 जा, अगर आप सीधी टेबल बना लेते हो तो उससे देख लिया करो, 9 7 जा 63 6 243 243, 221 से बड़ा हो गया। आप 27 8 जा करके देखो बेटा, 216 गैस 8 जा आ जाएगा, 216 ऊपर से लिया हमने 5, यानी कि 27 से 55 को डिवाइड करो, 3 जा 81 बड़ा हो गया, एक स्टेप वापस चलो 27 2 जा 54 1 0, ये रिमाइंडर, ये क्वेश्चेंट, ये डिवाइजर और ये डिविडेंड। आप क्या करोगे, क्यू मल्टीप्लाई डी, हर एक के ऊपर फॉर्मूला लिखोगे बेटा, क्यू मल्टीप्लाई डी प्लस आर इज इक्वल टू डिविडेंड, यानी कि क्यू कितना है 282
मल्टीप्लाई 27, पहले इसे मल्टीप्लाई करो, ये आ गया क्यू मल्टीप्लाई डी हो गया। अब इसमें आर कितना है 1, उसे प्लस करो, ठीक है। अब चेक करो क्या ये इसके इक्वल है, यस इक्वल है। तो बेटा आप आज सारा का सारा क्या करोगे, वर्कशीट 3 का सेकंड सम करोगे, पहले लिखोगे सेकंड सम डेट डाल के, डिवाइड एंड चेक योर आंसर, और फिर 6 के 6 पार्ट्स आप अपनी फेयर नोटबुक में करोगे। ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।